शारदा आज क्या तारीख है? 11 जून है और क्या? भला कैसे भूल सकती हूँ आज की तारीख? 40 वर्ष पहले आज ही के दिन तो फूटी थी मेरी किस्मत। यार मेरी किस्मत फूटी थी, आप लोग ताली बजा रहे हैं। मैं आज भी खोज रही हूँ उस मामा को, मैं आज भी खोज रही हूँ उस मामा को जिसने तय कराई थी मेरी शादी। मैंने कहा तुम क्या, मैं भी तो खोज रहा हूँ उस मामा को, भला क्या बिगाड़ा था मैंने। विगत 40 वर्षों से जारी है हमारी मामा खोज यात्रा। अरुणाचल, मेघालय, असम के जंगलों में ढूंढा, बांस के झोपड़ों में झांका, राजगढ़ अली पर चलता हुआ म्यांमार की पहाड़ियां की पार, वहां आजाद हिंद फौज की दुखद स्मृतियां मिली, मगर मामा नहीं। शेर के मुंह में हाथ डाला, हाथियों से किए दो दो हाथ, पूछा जमीन पानी पेड़ों पर बैठी बड़ी बड़ी झोंकों से, कोबरा और तमाम प्रजाति के सांपों से तो यूं ही आए दिन हो जाती हाय हेलो, पर मामा का जिक्र आते ही वो फुफकारते, फिर बिना जवाब दिए चाय बगानों में सरक जाते। पेड़ पौधों लता पत्रों से लगाई गुहार, पर मामा का नहीं लगा कोई सुराग, सैना टॉप की ऊंची चोटी पर चढ़ा चिल्लाया जोर जोर से, कभी समुद्र की मैक पर खाए हिचकोले, कभी उसकी अतल गहराइयों में डूबा, पर मामा कहीं नहीं मिला। चांद पर खाट बिछाई, रात रात जागा, तारों को तोड़ा, प्रेम के अद्भुत रहस्यमयी दरवाजों पर दी दस्तक, जहां एक बेटा और दो बेटियां मिली, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, नाती पोते, नए नए रिश्ते, पर मामा सुख दुख लगातार संग संग चले, जो बाद में सगे भाई बहन निकले। सुख दुख लगातार संग संग चले, जो बाद में सगे भाई बहन निकले, पर उन्होंने भी नहीं बताया कभी ठीक ठीक मामा के बारे में। लंदन पेरिस में खोजा, तलाशा प्राग की गोल्डन गली में, मकान नंबर 22 से झांकते काफ्का से पूछा, उन्होंने भी न जाने नामे सिर हिला दिया। रेडिंग की एक एक गली खंगाली, मैडम बैठी लंदन से आई हूं, रेडिंग की एक एक गली खंगाली, ऑस्कर वाइल्ड की काल कोठरी तक गया, मात्र 40 साल की उम्र पाकर भी इन लेखकों ने यूं तो अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ सार्थक लिखा, मगर अफसोस कि मामा के बारे में पंक्ति मामा खोज में इस तरह मैंने जीवन के गवा दिए 40 साल। सोचता हूं अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मामा को न खोज पाने से निराश, एक दिन यूं ही जब देख रहा था दूरदर्शन, उस पर चिल्ला चिल्ला कर भाषण देता उड़ाता हवा में थूक वह दिखाई दिया, जो बीच बीच में लगातार कहे जा रहा था कि मैं ही हूं तुम्हारा मामा, मैं ही, चिंता मत करना मेरी लाडली भांजियो, तुम्हारा मामा अभी जिंदा है। मैं यूरेका यूरेका चिल्लाया, भाई नीडे रहूं तो यूरेका यूरेका बोलूंगा, मैं यूरेका यूरेका चिल्लाया, शारदा को बुलाया, बताया लो मिल गए तुम्हारे मामा। वह बोली यह मेरे मामा नहीं है, वह इतने बड़े वाले नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ मेरी किस्मत फोड़ी, पर इस मामा ने तो पूरे प्रदेश की। फिर मेरा हाथ थामते हुए भर्राई हुई आवाज में बोले अब बेकार है उन्हें ढूंढना, सुना पिछले बरस आष्टा में। फिर वह रोने लगी, मैं अवाक और दुखी, अचानक समाप्त हुई मामा की खोज यात्रा से जैसे गड़बड़ा ही गया हमारा आगे का जीवन, जो अभी समाप्त नहीं हुआ था, जिसमें अभी बाकी था बुढ़ापा, दुख और बीमारियां, परिजनों के मृत्यु की खबरें, उनके कठिन आघात, दरवाजे पर घात लगाए खड़ी मृत्यु,
और बीच में शादी की 40वीं सालगिरह पर शुभकामनाएं देते आप मित्रों की दुआएं।